हे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन का पार्ट टू। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर इसका पार्ट वन देख लें, अदरवाइज हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर टू। स्टैंजा नंबर फर्स्ट हमने पहले पढ़ा दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसमें जॉन मिल्टन ने स्टैंजा नंबर सेकंड में क्या बोला है। आइए हम क्लियरली देख लें। तो डॉथ का मतलब यहाँ पे डस से लिया गया है, मतलब क्या, गॉड मतलब भगवान, एग्जैक्ट मतलब उम्मीद करते हैं। डॉथ गॉड एग्जैक्ट, क्या भगवान उम्मीद करते हैं, डे लेबर मतलब दिन की मजदूरी, लाइट डिनाइड मतलब अंधा होना। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, तो इसमें जॉन मिल्टन खुद से ही पूछ रहे हैं। तो वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या जो भगवान हैं वो उम्मीद करते हैं मुझसे कि मैं दिन की मजदूरी करूं, दिन भर काम करूं, लाइट डिनाइड मतलब अंधा होने के बावजूद भी, क्या जो भगवान है वो मुझसे उम्मीद करते हैं, मुझसे यह चीज़ मांगते हैं कि मैं पूरा दिन काम करूं, पूरा दिन दिन की मजदूरी करूं, अंधा होने के बावजूद भी। आई फॉन्डली आस्क, आई मतलब मैं, फॉन्डली मतलब मूर्खता, आस्क मतलब पूछना, मूर्खतापूर्व पूछना। आई फॉन्डली आस्क, मैंने बेवकूफ़ी की तरह पूछा, किससे पूछा था, उन्होंने अपने आप से पूछा था। बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट जो मेरा धैर्य था टू प्रिवेंट, उसने मुझे रोका। दैट मर्मर, जो फड़फड़ाहट मतलब फुसफुसाहट या बड़बड़ाहट जो भी होती है, जो अपने मन में वो कर रहे थे कि जो भगवान है क्या वो मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं दिन भर की मजदूरी करूं अंधा होने के बावजूद भी, तो ये जो बड़बड़ाहट वो अपने मन में कर रहे थे, इस बड़बड़ाहट से उसको किसने रोका, धैर्य मतलब पेशेंस ने रोका। और सून रिप्लाइज, रिप्लाइज मतलब उत्तर देना, और जल्दी ही उत्तर दिया, रिप्लाई किया। गॉड डॉट नॉट नीड, जो भगवान हैं उनको, गॉड मतलब भगवान, डॉट मतलब है, नॉट मतलब नहीं, जो भगवान है उनको नहीं है, नीड मतलब आवश्यकता, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर मैंस वर्क, आइदर मतलब किसी भी, मैंस मतलब आदमी या व्यक्ति, वर्क मतलब कार्य, जो भगवान है उनको किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं है जो मनुष्य के द्वारा की गई हो या किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया हो, या वो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति काम करे, उनको किसी भी व्यक्ति के जो कार्य है उसकी आवश्यकता नहीं है। और हिज ऑन गिफ्ट्स, और मतलब, या हिज मतलब यहाँ पे भगवान को से लिया गया है, ऑन मतलब खुद के, गिफ्ट मतलब तोहफे, और हिज ऑन गिफ्ट्स, और ना ही उन्हें अपने द्वारा दिए गए गिफ्ट, जो उन्होंने दिए हैं हम लोगों को गिफ्ट्स, ना ही उन्हें उनके द्वारा वो गिफ्ट्स ना ही उन्हें वापस चाहिए, और ना ही वह उन गिफ्ट्स के रिप्लेसमेंट में कोई भी चीज़ चाहते हैं। हु बेस्ट, हु मतलब वह, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे से, बियर मतलब सहता है, हु मतलब जो, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे से, बियर मतलब सहता है, जो सबसे अच्छे से सहता है। हिज माइल्ड योक, हिज मतलब यहाँ भगवान से लिया गया है, यहाँ पे भी उनके क्या सहता है, माइल्ड योग मतलब कठिनाइयों को या दुखों को सहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो सबसे अच्छे से भगवान के द्वारा दी गई कठिनाइयों को या उनके द्वारा दिए गए दुखों को बहुत अच्छे से बियर मतलब सहता है। दे सर्व हिम बेस्ट, दे मतलब वह, सर्व मतलब सेवा करता है, हिम मतलब भगवान की,
बेस्ट मतलब सबसे अच्छे से, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, जो सबसे अच्छे से भगवान के द्वारा दी गई कठिनाइयों को या उनके द्वारा दिए गए दुखों को सहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उनकी सबसे अच्छी सेवा करता है, भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है वही, जो सबसे अच्छे से भगवान के द्वारा दिए गए जो दुख हैं जो तकलीफें हैं उनको सहता है, ना उनसे कोई कंप्लेन करता है, अच्छे से सहता है उन दुखों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और अगर आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड या इस स्टैंजा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे इस वीडियो का आने वाला पार्ट 3 आपको ज़रूर मिले और आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें, अच्छे से अपने आपको प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।